उन्होंने मेरे साथ जो अभद्र व्यवहार किया मैं बता नहीं सकती। वो जंगली जानवरों की तरह थे। विरोध ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। हिंदू समुदाय बांग्लादेश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय। कुल आबादी में हिंदू तकरीबन 8% हैं। दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों में बौद्ध समाज और ईसाई समाज के लोग भी गिने जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के हटाए जाने के बाद हुई हिंसा में खास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हुई ज्यादती को लेकर विरोध हुए और नई सरकार पर सवाल भी उठे। अगस्त के महीने में यहाँ की माइनॉरिटीज पर 2000 से ज्यादा हिंसक हमले हुए, ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय के कार्यकर्ता बताते हैं। ये जानना भी जरूरी है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से यहाँ जुलाई और अगस्त में हुई हिंसा को लेकर जांच की मांग की है और वो जांच फिलहाल जारी है। इस कहानी के दो पहलू हैं, तो आप अंत तक हमारे साथ ही रहिए। पहली बात, हिंसा से जो जिंदगियां प्रभावित हुई थी वे आज किस हाल में हैं, क्या वे फिर पटरी पर लौट पाई हैं। दूसरी बात, यहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी के सामने जो नए चैलेंजेस उभर कर आए हैं उनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम बांग्लादेश के उस हिस्से में आए हैं जहाँ पर अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात माने तो हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं घटी थी, खुलना में। अपना नाम जाहिर ना करने की और अपने इलाके में ना मिलने की शर्तों पर हम एक हिंदू महिला से मिले। यौन उत्पीड़न का शिकार हुई इस महिला की आपबीती उन 2000 से अधिक वारदातों में शामिल है जिसका ब्यौरा यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता देते हैं। 5 अगस्त हमारे लिए एक आम दिन था। रात करीब 8:50 पर लगभग 20 से 25 लोग हमारे घर में घुस आए और तोड़फोड़ करने लगे। मेरे पति मेरे बच्चों को लेकर भाग गए। मैं और मेरी सास घर पर ही थे, तभी उस भीड़ में से 2-3 लोग मेरे पास आए और रसोई से एक चाकू लाकर उन्होंने मेरे ऊपर तान दिया, मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं डर गई थी, कुछ नहीं बोल पाई। उन्होंने मुझे मेरे घर के अंदर प्रताड़ित किया। उन लोगों ने मेरे साथ जो अभद्र व्यवहार किया मैं बता नहीं सकती। मैंने कभी उन लोगों को नहीं देखा है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि वो जंगली जानवर की तरह थे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हम हिंदू हैं। उनके पति और उन्होंने पुलिस के पास न जाने का फैसला लिया है। कारण पूछने पर बताया कि प्रशासन से उनका विश्वास उठ गया है। हम वहां से निकल ही रहे थे तब उनके पति ने हमसे पूछा, क्या हम भारत में शरण ले सकते हैं। धीरे धीरे खुलना में भी हालात सामान्य होते नजर आते हैं, लेकिन बिश्वजीत साधु ऐसा नहीं मानते। उनकी दुकान और घर पर भी हमला हुआ था। यहाँ के अधिकतर हिंदू पलायन कर चुके हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं है वे चले गए हैं, जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी जमीन है वे नहीं जा रहे हैं। जबरन वसूली और जमीन पर कब्जा वर्तमान में चल रहा है। अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। एक और बात है जो साधु जैसे लोगों को निराश कर रही है, वो है भारत सरकार के बांग्लादेश में अपने वीजा ऑपरेशन को कम करने का फैसला, जिसकी वजह बताई गई है कानून व्यवस्था की हालत। अब हम यहाँ खतरे में हैं। अगर मैं भारत अपनी सुरक्षा के लिए जाना भी चाहूँ तो ये संभव नहीं है। बांग्लादेश की सरकार से हमने पूछा कि ये असंतोष वे किस तरह दूर करने वाले हैं। हमारे दरवाजे बातचीत और चर्चा के लिए हमेशा खुले हैं। हालांकि अगर वे सड़क पर प्रदर्शन का विकल्प चुनते हैं तो ये दर्शाता है कि और अधिक बातचीत और चर्चा की आवश्यकता है। यदि आप देख रहे हैं कि इस वर्ष दुर्गा पूजा कैसे मनाई गई, तो हम सभी सरकार के सलाहकार विभिन्न मंदिरों में उनके साथ उत्सव मनाने गए थे। बांग्लादेश सांप्रदायिक सद्भाव का देश रहा है और रहेगा। इन हिंसक घटनाओं पर भारत और अमेरिका जैसे देशों ने लगातार प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन बीबीसी ने पाया कि इस मुद्दे पर अब हिंदू एडवोकेसी ग्रुप्स भी सक्रिय हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर इस वेबसाइट को देखिए, इसमें बांग्लादेश के खिलाफ आर्थिक बॉयकॉट की मांग रखी गई है।
इन्होंने पिछले दिनों न्यूयॉर्क में ये बैनर फहराया था जिसमें बांग्लादेश की सरकार से हिंदुओं की रक्षा करने की मांग की गई थी। इस वेबसाइट को चलाने वाले लोगों ने बीबीसी के बार बार पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हमने पाया कि इसी साइट पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यों का जिक्र था। विश्व हिंदू परिषद यानी VHP उसी संघ परिवार का एक हिस्सा है जिससे भारतीय जनता पार्टी भी जुड़ी है। वॉशिंगटन में स्थित हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने भी बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इनके संबंध भारत सरकार से भी हैं। हम एक स्वतंत्र संगठन हैं। हम किसी विदेशी सरकार के साथ समन्वय नहीं करते हैं। ये बात सही है कि हम बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के साथ काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है सुनिश्चित करना कि अमेरिकी नेता इस हिंसा को समझें और बांग्लादेशी अंतरिम सरकार पर दबाव बनाएं, जिससे बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक सुरक्षित रह सकें। इस तरह के समर्थन से बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं का हौसला बढ़ा है। आपने देखा होगा कि इस देश में सनातनी जनता और छात्र घरों से बाहर निकले हैं। चटगांव में साधु संतों की भी एक रैली आयोजित की गई थी। वहां अपनी दिक्कतों का जिक्र करने के लिए हजारों हिंदू अल्पसंख्यक जुटे थे। ये एक अकल्पनीय स्थिति है। हमने 2 नवंबर को पूरे बांग्लादेश में सभाएं और रैलियां आयोजित करने की अपील की है। भविष्य में जरूरत पड़ने पर हम धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर एक राजनीतिक पार्टी भी बना सकते हैं। इन सब के बीच एक साधारण बांग्लादेशी हिंदू को अपने और अपने परिवार का भविष्य कैसा नजर आता है? विरोध ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से एक शांतिपूर्ण, सम्मानजनक और धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश तक की यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसके लिए मुझे अपने समुदाय पर ध्यान देना है। जब मेरा समुदाय मजबूत होगा, उसका जीवन स्तर ऊंचा होगा, तो हम कठिन परिस्थितियों का सामना ताकत से कर सकेंगे, कमजोरी से नहीं। मैं एक आशावादी हूँ। यह एक खूबसूरत देश है। यहाँ के लोग मिलनसार और शांतिपूर्ण हैं और यहाँ के 99% लोग बांग्ला बोलते हैं। इसे और भी बेहतर जगह क्यों न बनाया जाए, यह संभव है। Obviously it's possible.